ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਬਣੇ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ देखिए वो जो बोर्ड को लेके गला बनी थी वो भी खत्म हो चुकी है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की थी वो भी ऑस्ट्रेलिया को लेके लेकिन वो भी आज की डेट में क्लियर है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी एक्सेप्टेबल है नहीं ऐसा नहीं है बच्चा जेन्युइन होना चाहिए जो किसी भी बोर्ड से हो वो न्यूजीलैंड जा सकता है ऑस्ट्रेलिया जा सकता है कनाडा जा सकता है यूएसए भी जा सकता है हाँ आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स होने चाहिए आप रिसेंट पास आउट हो गैप नहीं होना चाहिए गैप हो तो कहीं ना कहीं वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा गैप क्यों हुआ है ठीक है तो गैप का रीजंस आपको देना पड़ेगा इसके अलावा आपके पास आयल्स अच्छी होनी चाहिए फंड अच्छे होने चाहिए अच्छे कोर्स के लिए जाए और आपके पास रिसर्च होने चाहिए ये सारी चीज़ें हैं तो आपका वीजा लगेगा चाहे वो किसी भी कंट्री में जाओ एम्बेसी यही जानना चाहती है कि बच्चा जीटी में आना चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स होना चाहिए और जेन्युइन स्टूडेंट्स में यही चीजें आती है स्टूडेंट्स की मार्कशीट देखी जाती है स्टूडेंट्स का आयस देखा जाता है स्टूडेंट्स की फंडिंग देखी जाती है स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स उनके जो स्पॉन्सर उनके इनकम रेशियो देखा जाता है या स्टूडेंट का रिसर्च देखा जाता है ये सारी चीजें हैं मीन्स कंबाइन सारी चीजें हैं बच्चे को वीजा मिलेगा गैप दी जेकर गल करिए कितना वध तो वध गैप न्यूजीलैंड एक्सेप्ट करता है ते किस तरह का गैप एक्सेप्ट किया देखो डिपेंड करता है वैसे तो देखा जाए एक साल तक कोई गैप नहीं होता क्योंकि एम्बेसी भी मानती है कि एक स्टूडेंट्स को जो लास्ट एजुकेशन है उसके बाद जो एक साल का गैप आया है उसमें बच्चे ने अपना पासपोर्ट भी बनवाना है बच्चे ने अपनी आयल्स भी करनी है अपने फंड्स भी तैयार करने हैं कोर्स सिलेक्शन भी करना है फिर फाइल एम्बेसी में भी लगानी है तब बच्चे का वीजा आता है इन सब चीजों में एक साल लग जाता है अब एक साल से ऊपर अगर आ गया गैप तो पंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं अब हमने वीजा लगवाया स्टूडेंट्स के लिए मैं वही बता रहा हूँ हमने वीजा लगवाया 7 साल के गैप के भी बच्चे का भी लेकिन बच्चे के पास जेन्युइन गैप था जेन्युइन उसमें कुछ ने कुछ किया था एक बच्चे ने कुछ किया ही नहीं तो एम्बेसी वीजा नहीं देगी मतलब अगर जो आपका गैप है वो जस्टिफाइबल होना चाहिए गैप में बच्चे ने वर्क किया हो अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाओ सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ बच्चे का वीजा लगेगा बच्चे का गैप है गैप के रीजन सोचते हैं बच्चा मेडिकल कोई प्रॉब्लम रही है मेडिकली हाँ ठीक है वो प्रूफ दो बच्चे का वीजा लग सकता है बट ऐसा ना हो कि वो 5 सालों मेडिकल प्रॉब्लम ही रही तो वीजा नहीं आएगा बच्चे का पासपोर्ट नहीं बन पाया मोस्टली बच्चे कई बच्चों के मैंने ऐसे देखे हैं जिनके 2-2 साल गैप हो जाते हैं पासपोर्ट को लेके बर्थ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम थी 10th और 12th में कुछ मार्कशीट में कुछ उनका कुछ डेट ऑफ बर्थ है और क्या नाम है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ हो रहा है तो बच्चा करेक्शन में टाइम लगता है बच्चा फाइट करता है और फाइट में टाइम लग जाता है कई बार बच्चे की कोई पुलिस कंप्लेंट हो रखी हो या गलत नेगेटिव रिपोर्ट तैयार हो रखी हो कहीं ना कहीं गलती से हो रखी हो तो उसमें भी बच्चे का टाइम लग जाता है तो ये सारी चीजें बच्चे पूरे एविडेंस के साथ एम्बेसी में दे कि जी मेरा गैप हुआ था इस कारण से आया था बच्चे का लगेगा बच्चे का गैप हुआ सपोज करो कि बैकलॉग्स आ गए वो क्लियर करते करते 13 में कंप्लीट होने थे 15 में कंप्लीट हुए लेकिन 15 में कंप्लीट तो हुए गैप नहीं माना जाएगा वैसे तो 2 साल का गैप आ गया लेकिन नहीं माना जाएगा तो ये चीजें हैं बच्चा कुछ ने कुछ किया हो माना जाएगा बच्चे ने कुछ किया ही नहीं निठल्ला घर बैठा है उसको वीजा नहीं देगी एम्बेसी एक चीज होर सी काफी स्टूडेंट इस तरह के जिन्हों का गैप सी कुछ नहीं किया वो बाद में उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि किसी फलाने कंप्यूटर सेंटर को कोर्स बनवा ले कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट बनवा लेने 6 महीने साल का कई बार वो चलता है मेरे ख्याल से नहीं चलता कुलदीप की देख कुलदीप जी वो दिन लद चुके हैं अब ऐसा पर स्टूडेंट आज भी सोचता सवाल आता है अच्छी बात है वो सोच रहा है तो लेकिन गलत है आज की डेट में एम्बेसी ये चीजें देख चुकी है कि 5-7 हजार रुपये में
डिप्लोमा बन जाता है, 5-7 हज़ार रुपये में वर्क एक्सपीरियंस बन जाता है, निकली भी छप जाते हैं। आज की डेट में एम्बेसी स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही है, साथ साथ में इंप्लॉयर का भी इंटरव्यू ले रही है, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रही है, साथ साथ में उस सेंटर का भी इंटरव्यू ले रही है जहां से उसने वो क्या नाम ये किया है, क्या नाम है, अपना डिप्लोमा बनवाया है। अगर कहीं पे भी वेरिएशन रही, डेफिनेटली स्टूडेंट विल गेट रिफ्यूजल। सो किसी भी तरह का जरा जरा गलत डॉक्यूमेंट लगा के या गैप जरा उस गलत तरीके कवर करने की कोशिश ना की जाए, सही तरीके अगर गैप भी है तो जो प्रदीप जी ने दसा कि 6-7 साल का जो गैप भी एक्सैप्ट किया जा रहा है, बशर्ते कि सही तरीके का गैप हो सही तरीके। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल एड करूंगा, जैसे मैंने 8 साल का गैप का बताया, मैंने 8 साल के गैप के एक बच्चे का वीजा लगाया, स्टूडेंट का नाम था गुलाब सिंह। अब वो मेरे पास आया, अपनी डिप्लोमा था उसके पास मैकेनिकल का, वो कंप्लीट करके उसका 7 का नहीं 9 साल का गैप था। तो वो बच्चा मेरे पास आया कि जी मुझे बाहर जाना है। मैंने बताया भाई तू न्यूजीलैंड जा सकता है और पर्टिकुलर इस कोर्स में जा सकता है। लाइक उसको हमने बिजनेस मैनेजमेंट दिया, बिजनेस मैनेजमेंट इसलिए दिया क्योंकि उसने गैप में अपना बिजनेस किया था। तो कैन यू बिलीव उस बच्चे के पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस था, कुछ 4-5 साल उसने काम किया और 4-5 साल से वो अपनी वर्कशॉप चला रहा था, वर्कशॉप छोटे लेवल पे चला रहा था। उसका इंटरव्यू आया, इंटरव्यू आने के बाद उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, एम्बेसी से पर्सन आए, पर्सन आके उसकी वर्कशॉप पे विजिट करके गए, उन्होंने देखा कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चा ये जो एविडेंस दिए वो है नहीं है। गाड़ी रुकी, एज पर द स्टूडेंट बताते, गाड़ी मेरे सामने रुकी, एम्बेसी से बंदे उतरे, गुलाब कौन है, मैं हूँ जी, ओके ये आप क्या करते हो, जी मैं ये वर्कशॉप चलाता हूँ, किस नाम से है, इस नाम से है जी, ओके आप ये कहते, ये आप ITR भरते हो, हाँ जी ये रही, तो आप एम्बेसी को अच्छा अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए, ये रहा जी, कितने पर्सन काम करते हैं, ये जी ठीक है ओके, लाइक तेरे क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये सारी फाइल में SOPs में ये सब चीजें लिखी गई थी, ये क्लाइंट्स हैं जी, एम्बेसी ने सब कुछ देखा, यस इट इज जेन्युइन। इसके बाद बोला अच्छा इससे पहले कहाँ काम किया था, जी मैंने फलानी कंपनी में काम किया था, ओके स्टूडेंट ने खुद बोला जी उसका एड्रेस बताऊँ, रास्ता दिखाऊं कौन सी कंपनी में काम किया था, वो ये रास्ता निकलता है। एम्बेसी का वाले बंदे उस जो लास्ट इंप्लॉयर था वहां तक नहीं गए क्योंकि एम्बेसी ने देखा स्टूडेंट जेन्युइन है, स्टूडेंट ने काम किया है, अपना बिजनेस चला रहा है ठीक है, उस बच्चे को वीजा लगा। तो एम्बेसी यही चीज मांगती है। सो सही तरीके दे नाल अगर आपां सच्ची जानकारी दे रहे हैं तो उत्थे वीजा दा जिहड़ा सक्सेस रेट नूं आपां 100% भी कह सकते हैं, क्योंकि जदों कुछ गलती हुंदी उत्थे ही झूठ बोलदा है, अमेरिका घबरा भी जांदा बच्चा कितना ना कितने, जदों सच बोलिया जांदा कॉन्फिडेंस अपने आप दिखदा। सर जितनी झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ बोलोगे, झूठ की तारें बनती चली जाएंगी, पड़ते बनती चली जाएंगे, वीजा नहीं आएगा। सच बोलो एम्बेसी खुश होगी, डेफिनेटली स्टूडेंट को वीजा मिलेगा। कट बैंड वाले स्टूडेंट के लिए न्यूजीलैंड के की ऑप्शन है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तरह तरह की है, पर तुम किस तरह देखते हो उस एडवर्टाइजमेंट? गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए, एक पाथवे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, स्टडी पाथवे स्कीम, इसके अंदर एम्बेसी ने कुछ सिलेक्टेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को लिया है। ये 2015 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, ये ऑस्ट्रेलिया के पैटर्न पे है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा है इंग्लिश कोर्स एली कोर्स के साथ बच्चा जाता है, या D2D डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के साथ जाता है, ऐसे ही जो सिलेक्टेड कॉलेजेज हैं पाथवे स्कीम के अंदर आते हैं उसके अंदर बच्चा जाता है तो लेस बैंड स्कोर के साथ इंग्लिश कोर्स के साथ जा सकता है। अगर बैंड स्कोर कम है, सपोज करो ग्रेजुएट डिप्लोमा बच्चे ने जाना है, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। अगर एजुकेशन प्रोवाइडर्स पाथवे स्कीम में आता है तो 5.5 बैंड पे भी उस बच्चे को ऑफर लेटर मिल जाएगा ग्रेजुएट डिप्लोमा का, जिसकी रिक्वायरमेंट 6 है, बसरते पहले उसको इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद उसका मेन कोर्स स्टार्ट होगा। ऐसे ही बच्चे को डिप्लोमा करना है, 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जैसे कोर्सेज उसकी 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है। एक बच्चे का जिसमें 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, अगर उसके 5 बैंड भी आ जाते हैं, 5.5 नो लेस देन किसी में 4.5 भी आ जाता है तो भी वो बच्चा इंग्लिश कोर्स के साथ जा सकता है। जिस बैंड जिसकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड है मैकेनिकल और सिविल की, अगर वो कॉलेज वो एजुकेशन प्रोवाइडर स्टडी पाथवे में आता है तो वो कॉलेज राइट है उस कॉलेज को, वो इंग्लिश कोर्स के साथ उसको ऑफर लेटर दे सकता है। केड़े कॉलेज ने या किन्ने कॉलेज ने जेड़े पाथवे प्रोग्राम अवेलेबल है जिथे? वैसे तो मोर देन अप्रोक्स 500 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं न्यूजीलैंड में, 8 यूनिवर्सिटीज हैं, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं, सिलेक्टेड कॉलेज में जैसे मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की तो इसके अंदर कुछ कॉलेजेस आते हैं जैसे वेलटेक है, CPIT है, ओटाकू है, विनटेक है, दीज आर द कॉलेज जो इसके अंदर आते हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो जैसे आपका एडेंस है, न्यूजीलैंड टेरिटरी कॉलेज है, तो ऐसे एक लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से बच्चा पहले देखना पड़ेगा कि बैंड स्कोर कम है, स्टडी पाथवे में जाइए, नो प्रॉब्लम वीजा आएगा। एक और फायदा है स्टडी पाथवे के अंदर क्या है, स्कीम के अंदर क्या है, बच्चे को 5 साल तक का ऑफर लेटर मिलेगा, मतलब 5 साल तक का वीजा मिल सकता है।
थ्री कंजिक्यूटिव प्रोग्राम्स बच्चा एडमिशन ले सकता है, लेवल 5 से लेकर लेवल 8 तक के एडमिशन ले सकता है। बच्चे को यहीं से 5 साल का वीज़ा मिलेगा, 5 साल का वीज़ा मिलेगा सर, फंड 1 साल के दिखाने। सपोज करो बच्चा 3 ईयर प्रोग्राम में गया, ठीक है, 3 ईयर प्रोग्राम में गया और बच्चे को सिर्फ फंड दिखाने 1 साल के, रेस्ट 2 ईयर का प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है। प्रोजेक्ट प्लान का मतलब यहाँ होगा 1 साल के फंड दिखाने, 2 ईयर का प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान का मतलब ये है कि जी मैं नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे पे करूंगा या नेक्स्ट ईयर मैं वहां कैसे सर्वाइव करूंगा। तो बच्चा दिखाएगा जैसे सर मेरे पेरेंट्स की ये ITR है, मेरे स्पॉन्सर जो कर रहे हैं उसकी सॉलिड ITR है, 6-7-8 लाख रुपए की ITR बनता है। एम्बेसी सोचती है कि यार 8-10 लाख रुपए इस बच्चे को, इसका मतलब इनकम हो रही है इसकी फैमिली को। मेरी कोई स्टूडेंट की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी पड़ी है, जी जरूरत पड़ी मैं ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा, ठीक है, रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है जी, मेरा देखो ये रेंट एग्रीमेंट है मेरी फैमिली का, ये हमारी बिल्डिंग है, मैंने हमने इनको दे रखी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये रेंट एग्रीमेंट है, महीने का मुझे ये आता है, हमें ये आता है, तो चेक के थ्रू आती है अकाउंट में पैसा, वो आता है तो वो दिखा सकता है इस तरह से। या मेरे पास ये LIC है, ये मैच्योर होगी 2 साल बाद या 1 साल बाद और हमें इतने पैसे मिलेंगे, ये जी शेयर पड़े हैं हमें जरूरत पड़ी तो ये भी बेच देंगे, डिबेंचर पड़े हैं ये जरूरत पड़ी ये बेच देंगे। तो थिंग इज दैट या मेरे फादर उस टाइम पर रिटायर आएंगे तो 15 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए हमें मिलने हैं। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट प्लान में आती है, फंड कुछ नहीं दिखाना लेकिन एम्बेसी को एविडेंस देने हैं, फाइनेंशियल लेके एविडेंस देने हैं कि जी ये चीजें हैं, अगर नेक्स्ट ईयर की मुझे जो फीस है मैं इस सोर्स से पे कर सकता हूँ। हाँ सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रजीव जी, माफी चाहूंगा कि चर्चा होकर नहीं बता सकेंगे, सो दर्शकों को भी माफी चाहूंगा कि चर्चा नहीं बताई जा सकती। सो आज के शो ने इतने खत्म कर दिया, पर तुहाडे लिए समय की कोई लिमिटेशन नहीं, तुसी किसी वेले कॉल कर सकते हो, परसनल विजिट कर सकते हो प्रदीप जी के नाल, ते वेस्टर्न ओवरसीज की सारी टीम नाल राबता कायम किया जा सकता है। सो अपने दोस्त कुलदीप नूं दे इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया।